हेलो, सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इफ ए इक्वल ए क्रॉस बी इक्वल ए कॉमा एक्स बी ए कॉमा वाई बी कॉमा एक्स बी कॉमा वाई फाइंड ए एंड बी। आपको सेट ए निकालना है, सेट बी निकालना है। सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जो पहला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं और जो दूसरा सेट होता है इसको हम रेंज कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है इसको हम डोमेन कहेंगे और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है इसको हम रेंज कहेंगे। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ए के पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए है, तीसरे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी है, चौथे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी है। अगर आपको सेट ए निकालना है तब आपको ए इक्वल ए कॉमा, यहाँ ए ए है, ए ए की बात लिखना है और बी बी है तब आएगा बी। अगर आपको बी सेट निकालना है तब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होगा वही है एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर भी एक्स कॉमा वाई सेट में ऑर्डर, अगर एलिमेंट ए दो बार आया वो एक ही बार माना जाता है। अब अगर आप ए को बी के साथ क्रॉस करोगे ए कामा एक्स ए कामा वाई बी कामा एक्स बी कामा वाई वही तो है। अब ये पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे सेट को हम रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट ए इक्वल 1 2 बी इक्वल 1 2 3 4 सी इक्वल 5 6 डी इक्वल 5 6 7 8 वेरीफाई देट। आपको वेरीफाई करना है पहला पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, वहाँ मैं पहले बी को सी के साथ इंटरसेक्शन करूँ। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, 1 2 3 4 5 6 कोई कॉमन नहीं है तब आएगा बी और सी का इंटरसेक्शन 5 आएगा। अगर आप ए को क्रॉस करोगे बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट कौन कौन है 1 2 और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तब इसका आंसर 5 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस डी। पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा 1 1, इसके बाद क्या आएगा 1 2 1 3 1 4, इसके बाद क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आया ए क्रॉस बी। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी, ए और डी को क्रॉस करना है, डी के अंदर 5 6 7 8 है, तब क्या आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8, इसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8। अब आपको इनका इंटरसेक्शन करना है, किस किस को, ए क्रॉस बी को इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस डी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब द कॉमन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस डी, 1 1 नहीं है, 1 2 यहाँ नहीं है, 1 3 यहाँ नहीं है, 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 कुछ नहीं है तब फाइव आएगा। इसका मतलब है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, सेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, ए क्रॉस सी निकालना है इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी निकालना है, बी क्रॉस डी निकालना है। अगर सब एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी के सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर बी क्रॉस डी के अंदर होंगे तब हम बोलेंगे ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर नहीं होंगे, सबसेट क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेट। पहले हम ए क्रॉस सी निकालेंगे, दूसरा पार्ट है
ए क्रॉस सी निकालेंगे, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी क्या आएगा, वन कामा फाइव, वन कामा सिक्स, टू कामा फाइव, टू कामा सिक्स। अब आपको क्या निकालना है, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी के अंदर क्या क्या आएगा, वन फाइव, वन सिक्स, वन सेवन, वन एट, इसके बाद टू से करना है, टू फाइव, टू सिक्स, टू सेवन, टू एट, इसके बाद थ्री से करना है, थ्री कामा फाइव, थ्री सिक्स, थ्री सेवन, थ्री एट, क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद फोर से करना है, फोर फाइव, फोर सिक्स, फोर सेवन, फोर एट। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है ए क्रॉस सी के अंदर कौन कौन है, वन फाइव क्या वो है, बी क्रॉस डी के अंदर है, हाँ वन फाइव है, वन सिक्स हाँ है, टू फाइव है, टू सिक्स यस। सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स है वो बी क्रॉस डी के अंदर है। इसका मतलब है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये सही है, ये सबसेट की सिंबल है। इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल वन टू, लेट ए इक्वल वन कामा टू, बी इक्वल थ्री कामा फोर। क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए क्रॉस बी, आपको निकालना है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब क्या आएगा ए क्रॉस बी, हम निकाल सकते हैं वन थ्री, वन फोर, टू थ्री, टू फोर। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी विल हैव, ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर है, वन टू थ्री फोर। सबसेट्स का फार्मूला के, पावर सेट का फार्मूला के, टू रेस्ट पावर एन, तब टू एन के कितने एलिमेंट्स है, वन टू थ्री फोर, टू रेस्ट पावर फोर, तब क्या आएगा, टू इंट टू इंट टू इंट टू, टू टू द फोर, फोर फोर द सिक्सटीन, सबसेट्स बनेंगे। वो हम निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल कितना बनेंगे, सिक्सटीन। अब क्वेश्चन बोलते हैं लिस्ट देम, उनको लिखो, तब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, पहला क्या आएगा फाइव, बिकॉज फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर एक एक करके उठाना है, सेट वन थ्री, सेट वन फोर, सेट टू थ्री, सेट टू फोर, सेट वन कामा थ्री, सेट वन कामा फोर, सेट टू कामा थ्री, सेट टू कामा फोर, पहला ये आएगा सेट टू कामा फोर, हो गया। एक एक करके आप दो दो उठाना है, पहले वन थ्री और वन फोर, फिर वन थ्री और टू थ्री, फिर वन थ्री और टू फोर, फिर आगे जाना है, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, क्या आएगा सेट वन कामा थ्री, वन कामा फोर, अब क्या आएगा वन कामा थ्री, टू कामा थ्री, वन कामा थ्री, टू कामा थ्री, वन कामा थ्री, टू कामा फोर, वन कामा थ्री, टू कामा फोर। इसके बाद वन से हो गया, अब वन फोर से उठाना है, वन कामा फोर, टू कामा थ्री, वन कामा फोर, टू कामा थ्री, वन कामा फोर, टू कामा फोर, इसके बाद टू कामा थ्री, टू कामा फोर, टू कामा थ्री, टू कामा फोर। इसके बाद आपको तीन तीन करके उठाना है, पहले ये तीन आएगा, फिर ये तीन आएंगे, लिखते हैं वन थ्री, वन फोर,
टू थ्री हो गया, तीन एक। अब पहले से लेकर लास्ट तक एक छोड़ना है, वन कामा थ्री, टू कामा थ्री, टू कामा फोर, वन कामा थ्री, टू कामा थ्री, टू कामा फोर। आज पहले वाले से दोनों आया, एक दो तीन, फिर ये वाला एक दो तीन, फिर ये भी आ सकता है वन टू थ्री। पहले हम आगे जाएंगे वन कामा फोर, इसके बाद टू कामा थ्री, टू कामा फोर, इसके बाद वन फोर, टू फोर, वन थ्री, वन फोर, टू फोर, वन थ्री। तीन तीन से ख़त्म हो गया। आप चार चार उठाओ, वो पूरा सेट आएगा, एक क्रॉस बी भी आएगा, एक क्रॉस बी। कितना आना चाहिए? सोलह। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। एक क्रॉस बी भी गिनना है, फाइव भी गिनना हो गया ये। अगर हम सब सेट्स को सेट बनाएंगे तब इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ, यहां ए क्रॉस बी आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बी टू सेट साइज दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ बी इक्वल टू टू, नंबर ऑफ ए इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ बी इक्वल टू फोर, इक्वल टू टू। इफ एक्स कामा वन, फिर क्या है, वाई कामा टू। क्वेश्चन लिख रहा हूं, जेड कामा वन और इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। ए के अंदर तीन एलिमेंट्स है, बी के अंदर टू एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है। आपको बोलना है सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा, सेट बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा। ए इक्वल टू पहले पहला एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होता है वो सेट ए के अंदर आएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड। बी के अंदर क्या क्या आएगा, वन टू वन, इसका मतलब वन कामा टू आएगा। अगर आप एक क्रॉस बी करोगे, एक्स कामा वन यस, एक्स कामा टू, एक्स कामा वन, वाई कामा वन। इफ एक्स कामा वन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री टू द सिक्स आने चाहिए। अब इसमें कोई कोई बचे, फाइंड ए एंड बी, वो तो हमने निकाला है और भी, मगर ए क्रॉस बी के अंदर सब कौन कौन आएगा, एक्स वन, एक्स टू, वाई वन, वाई टू, जेड वन, जेड टू। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर थ्री इंटू टू, थ्री टू द सिक्स आना चाहिए। इसने तीन ही दिया, टोटल हम लिख भी सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर एक्चुअली कौन कौन एलिमेंट आएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं कौन कौन आएगा। हम पहले से ही लिखेंगे एक्स वन, एक्स टू, वाई वन कामा वाई टू, जेड वन कामा जेड टू। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज सिक्स। अब तीन ऑर्डर पेयर से दिया है, एक्स वन वाई टू जेड वन, एक्स वन वाई टू जेड वन, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एक्स टू वाई वन कम एंड जेड टू रिमेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।